थाने में आके पारिवारिक डिस्प्यूट के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में वाद विवाद बढ़ रहा है, और पारिवारिक विवाद जो है पति पत्नी के बीच में, ये अब मर्डर का रूप भी लिए जा रहा है। पहले समाज में देखा जा रहा था कि ज़्यादा भाई भाई में या रिश्तेदारों में आपस में प्रॉपर्टी को लेके हत्या की बात सामने आती थी, लेकिन नया जो समीकरण आ रहा है कि पति पत्नी खुद ही एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है। क्या नाम है आपका? कविता साहू। कविता साहू, आपकी पहली और ये जो शादी है, जिसकी हत्या हो गई, कब हुई थी शादी आपकी? 4 साल पहले। 4 साल पहले प्रेम विवाह था कि एज मैरिज था? लव मैरिज था आपका। आप कहाँ की रहने वाली है? इंदिरा चौक। ये पति आपके कहाँ के रहने वाले थे? कविता पार्क। अधूरों की जान पहचान कैसे हुई थी? काम के जाने के बाद हुई। और कितने दिन प्रेम प्रसंग चलने के बाद आपकी शादी हो गई? 3 महीने बातचीत होने के बाद शादी कर ली आपने? शादी नहीं हुआ था, बस ऐसे घर चले गए थे। घर चले गए थे, साथ में रहने लगे। कितने दिन साथ में रहे थे? शादी हुई नहीं। घर में मंगलसूत्र पहना दिए थे, मतलब कोई सामाजिक शादी नहीं हुई थी? सामाजिक शादी नहीं। 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बालक भी है। 4 साल पहले साथ रहने लगे, 3 साल का आपका बालक है, तो ये साथ रहना में टूटे कब आप लोग? 2 साल हो गया। किस बात पे टूटे? दारू पीता था, हल्ला करता था, चोरी के केस फंसा था। समाज में वो बोला था कि मैं वो तंग नहीं करूंगा, वो अपना जिंदा कीजिए, मैं अपना जिंदा कीजिए। ये किस थाना में चोरी के केस फंसा था? ये अपना निवाई थाना। निवाई थाना में कितने दिन जेल रहा वो? कम से कम 1-2 साल तो था। जेल 1-2 साल जेल रहा? हाँ, एक महीना रहा होगा जेल, 1 महीना जेल रहा, छूट के तो आप अलग रहने लग गए जेल जाने के बाद। तो अलग जगह शादी हो गया आपका? अलग जगह शादी हो गई। कहाँ शादी हुआ आपका? पाटन झीट। पाटन झीट, ये कब की बात है? शादी कब हुई आपकी? 4-5-7 महीने। 7 महीने पहले आपकी शादी हुई। तो अभी विवाद कैसे हुआ? अभी ऐसे ही, मतलब वही रिश्ता मैंने तोड़ा दिया सर की, वहाँ गई थी शादी में, शादी हो गया था तो वहाँ चले गया झीट पे, उन्होंने लोग भी छोड़ दिए। वो लोग छोड़ दिए। तो वापस कब आए आप? 2 महीना हो गया। ये आपके पहले पति के पिताजी हैं? ये आपके पापा हैं? ये आपके पापा हैं। तो आपके पापा और आपने अभी तो घर आके पापा घर रहने लग गए अभी? हाँ, घर पे रहने लग गए। तो ये घटना कैसे हुई? कल मैं काम से आ रही थी सर, तो मेरा साइकिल रखा खोल दिया, तो मेरे साथ मारपीट कर दिया था, तो आपने क्या किया? मैं 112 में कॉल की थी, तो लोग बोले तो रिपोर्ट करने चला जा, तो वहाँ से रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो लड़का मेरे घर पे आई, आखिर मेरे को मारपीट भी करना स्टार्ट हो गया, चाकू आपको एकदम दिखाना स्टार्ट हो गया, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, सीधा आपको लकड़ी वगैरह से मार दी। लकड़ी से आपने मार दिया? बड़ा बड़ा मोटा सा। तो आपको लगता है रॉड से भी मार दिया आपने? रॉड से मारोगे तो जान तो जाएगी, सर भी मारोगे तो। नशा भी करता था ना सर? नशा भी कर, कौन कौन सा नशा करता था? गांजा पीता था, दारू पीता था, गोलियों का नशा, गोली खाता था, पता ही नहीं चला, अपना ही सर। लेकिन तब भी गुस्से पे काबू करना चाहिए था। आपको लगता है गलती हो गई? गलती हो गई तो गुस्से, वो दारू पीता था माना, गांजा पीता था, नशीली गोलियां खाता था, आके मार धार कर रहा होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग, परेशान कर देता था सर घर पे आकर, परेशान। कई बार हम लोग उसको समझाए हैं कि परेशान मत करना, बोल चैन से तू भी जीखा, हम लोग को भी जी के जीने खाने दे, बोलकर समझाया था, नहीं समझ आया तो सही। लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब आपके बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे कितना बड़ा है आपका? 3 साल का है। बताओ बच्चे को कौन देखेगा?
जमानत होने में समय लगेगी, साथ में आपके पिताजी भी जेल चले गए, वो देखते कम से कम बच्चे को। बच्चा है इसके आपके साथ रहता है बच्चा की ससुर के पास? ससुर लालन के पास। उसके पापा जो मेरे साथ रहता है, तभी नुकसान तो हो ही गया ना। कानून को हाथ में लेते हो, गुस्सा कभी इतना नहीं करना चाहिए कि अपना आपा ही खो बैठे आदमी। मैं मारना भी नहीं चाहती थी सर, पता है मेरे घर में आके हुल्ला हुल्ला किया, चाकू वाकू एकदम कर दिया था। अब देखो था कि नशा करने वाले लोगों का फेफड़ा उनका सर वैसे ही हल्का होता है, क्योंकि वो तो अंदर से खोखला हो चुका होता है, तो छोटी सी हमला करने पे भी उनकी जान जा सकती है। मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों से आह्वान करूँगा कि वो नशे से दूर रहें। आप देख सकते हैं शराब और गांजे का नशा से शरीर को नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक क्षति होती है, परिवार को क्षति होती है, आदमी कर्जे में डूब जाता है, आदमी गैर कानूनी काम करने लग जाता है। नशे से जो जो नुकसान हो सकता है वो इस मृतक को हुआ, उसकी शादी टूट गई, पारिवारिक नुकसान हुआ, वो जेल चला गया, सामाजिक नुकसान हुआ, उसका शरीर कमजोर था, शरीर कमजोर था ना उसका, शरीर कमजोर था, नशे की हालत में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, गाली गलौज करता था, समाज मारपीट भी करता था, समाज में उसकी तोहनी भी होती, समाज में लोग उसको अच्छा मानते थे, खराब मानते थे, बर्बाद समझते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो दशा है वो व्यक्ति को और समाज को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और बहुत जरूरी है कि ऐसे जो पियक्कर लोग हैं, नशे वाले लोग हैं, यदि वो हुल्लड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 112 में कंप्लेंट करें, कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि ब्रेन की भी कभी एट्रोफी हो जाती है, ये पीने वाले लोगों की हाइपर एट्रोफी हो सकती है, तो कभी कभी छोटा झटका आप दोगे उस जमीन पे गिरेगा और वो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो आपके ऊपर आईपीसी की गंभीर धारा 302 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो रोड पे चलने वाले लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे पियक्कड़ लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको खुद कानून को हाथ में ना लें, 112 को फोन करें और खुद वहां से हट जाएं। नहीं तो ऐसे लोग खुद के लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। और नशा का हमेशा एक गलत नतीजा ही निकलता है। आप देख सकते हैं इस नशा करने वाले व्यक्ति का जान भी गई, परिवार पहले टूटा, खुद जेल में रहा, अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरा, कभी नहीं सुधरा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पीने पाने वालों के घर वालों के लिए भी जरूरी है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि आपका घर का कोई सदस्य पी के हल्ला कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो, तो आप 112 को फोन करें, ऐसे शराबी लोगों के खिलाफ सीआरपीसी के प्रिवेंटिव धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और समाज को जरूरी है कि ऐसे पीने वाले लोगों का तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करे। ज़्यादा जरूरी है कि जो तस्कर हैं, जो आके इस तरह का नशे की चीज़ों को बेचते हैं, ऐसे लोगों को पूरा समाज मिलके पकड़े और पुलिस के हवाले करे। नहीं तो आज ये नशे के सौदागर किसी एक व्यक्ति को शिकार बना रहे हैं, कल को आपके परिवार में भी कोई हो सकता है जो उस नशे में डूब के आपके परिवार को बर्बाद कर दे। आप कुछ आह्वान करना चाहोगे, जनता कुछ बोलना चाहोगे, क्या बोलोगे ऐसे जिनके जो पीने वाले और ये वाले पति हैं, उनकी पत्नियों से क्या बोलना चाहोगे? सबसे यही बोलती हूँ सर कि अपने अपने घरों को अच्छे से रखो, मतलब आदमी को भी अच्छे से रखो। और जो पीने वाले हैं उनका क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं बोलता। चलो कोई बात, सर एक विजिट ले, एक मिनट सर, इनके पिताजी एक विजिट ले, रुके रुके थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। ये भी एक तरह से विक्टिम ही है, देखो जी।
बदमाश तो भी आने वाले हैं। ले लो।